हाय, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लास ऑफ ड्यूटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्रेन्स एंड हॉइस्ट में, और उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम डिस्कस करेंगे क्लाइंट से, क्या इम्पैक्ट्स हैं क्लास ऑफ ड्यूटी के, उसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो क्लास ऑफ ड्यूटी से हम लोग समझते क्या है, हम बेसिकली क्या है, IAS में क्या लिखा हुआ है कि ज़्यादा क्लास ऑफ ड्यूटी है तो आप फैक्टर्स बढ़ा लीजिए। फैक्टर्स क्यों बढ़ा लीजिए? अब जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, लेट से आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप कितनी जल्दी थक जाते हैं भाई। कोई जना है वो 1 घंटा वॉक करने के बाद थक जाता है। तो ऐसे ही स्टील के साथ भी होता है। स्टील में डिटरमाइंड होता है कि भाई स्ट्रेस लेवल्स कितनी देर तक वो ले सकता है, उसके ऊपर वो, अब मान लीजिए 50 टन की क्रेन है, वो 50 टन की क्रेन अगर एक बार ही उठानी है तो 50 टन की क्रेन आराम से उठा सकती है। बट अगर वो 50 टन की क्रेन को बार बार उस 50 टन को उठाना है, तो फ्रीक्वेंसी अगर उसकी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी क्लास ऑफ ड्यूटी हमको हायर करनी पड़ेगी, हमको फैक्टर्स हायर लेने पड़ेंगे। तो क्लास ऑफ ड्यूटी का मतलब बेसिकली यही है कि कितनी बारी फुल लोड पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम अगर उसको डिफाइन करना चाहें लिखने के टर्म्स में कि क्या लोड उठाया हुआ है, एक क्रेन ने क्या लोड उठाया हुआ है, क्या वो 50 टन की अगर क्रेन है तो 50 टन ही हमेशा उठाती है या उससे कम उठाती है। अगर 50 टन की क्रेन है और वो 10 टन बार बार उठा रही है तो नेचुरल है उसकी क्लास ऑफ ड्यूटी कम हो जानी चाहिए भाई, उसको इतनी इतनी थकान नहीं होगी। नंबर ऑफ आवर्स, एक दिन में कितने कितने घंटे वो चल रही है। फिर तीसरा कि कितने सालों के लिए हम उस क्रेन को यूज में लाना चाह रहे हैं, क्या वो 20 साल के लिए है, क्या 25 साल के लिए, क्या 30 साल के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने होंगे, ये 3 मेजर पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर क्लास ऑफ ड्यूटी डिपेंड करती है। और इंटरनली जैसे मैंने आपको समझाया, ये बेसिकली जितनी ज़्यादा बारी हम यूज करेंगे उस पर डिपेंडेंट है क्लास ऑफ ड्यूटी, उसके हिसाब से हमारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो नया IAS क्या कहता है, नया IAS कहता है कि जी अगर दिन में 4 घंटे तक की वर्किंग आवर्स है तो आप M1 से M2 से M3 तक ले सकते हो। और इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, टोटल वर्किंग लाइफ जो है वो कितने घंटे की है। तो इसको आप उल्टा कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 4 घंटे पर डे चल रहा है तो मान लीजिए 365 दिन में से 65 दिन जो है वो छुट्टी होती है, तो 300 दिन काम करना है, 4 × 300 करेंगे, डिवाइड बाय दिस कर देंगे, तो इतने सालों के लिए वो चल रही है। तो यहाँ से आपको साल निकलाएंगे इन दोनों के फॉर्मूले से और आपको इमेजिन हो जाएगा। M4 M5 4 to 6 आवर्स पर डे की बात कर रखी है, M6 में 6 to 9 कर रखी है, M7 में भी 6 to 9 कर रखी है लेकिन यहाँ पे टोटल लाइफ ज़्यादा कर दी, M8 12 घंटे की बता रखी है और 75,000 घंटे टोटल वर्किंग आवर होनी चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें बहुत ये है कि 3177-2020 में जो हमारी हॉट मेटल की लिक्विड हैंडलिंग की जो क्रेन्स थी उसका एक अलग IAS था 4137, उस IAS को ख़त्म कर दिया गया है और ये बोला गया है कि M8 ड्यूटी को ही आपने अपनाना है। तो हॉट मेटल को आप समझते हैं कि बहुत स्ट्रिंजेंट जहां पर रिक्वायरमेंट होगी उसको हमने क्लास 4 माना हुआ है अपनी 3177 में, क्योंकि अगर वो लिक्विड मेटल गिर गया या कुछ भी हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस शीट में मैंने दिखाना चाहा है कि इम्पैक्ट क्या है, मतलब हम क्यों इतना मगजमारी करें कि यार M5 लें या M6 लें या M7 लें, पैसा रोकड़ा कितना फर्क पड़ेगा। तो एक केस मैंने अभी किया 21892, 140 टन की क्रेन थी। अर्लियर क्लाइंट ने बोला कि मेरे को M7 ड्यूटी चाहिए, तो प्राइस निकाला, प्राइस आया 2,24,00,000 रुपए। फिर क्लाइंट ने 2 दिन बाद ही बोला कि नहीं नहीं मेरे को M7 नहीं, M5 ड्यूटी करके दो। M5 से सीधा प्राइस जो है 2.24 से 1.84 चला गया, मतलब 40,00,000 रुपए कम हो गया सीधा सीधा सिर्फ M7 से M5 ड्यूटी जाने में। इतना पैसा तो अगर वो हमको डिस्काउंट देने के लिए भी कहता ना, हम ना दे सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सही क्लास ऑफ ड्यूटी
ही क्लाइंट को दें, और स्पेशली M7 M8 जो क्लास 4 ड्यूटीज हैं हमारी, जो क्लास 4 ड्यूटी हैं, इनको अगर हम दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ के दें कि हम क्या क्लाइंट को दे रहे हैं, क्योंकि फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि M8 तो क्लास ये IS-4137 के इक्वलेंट हो गई है, बहुत मेजर फैक्टर्स हैं इसके अंदर। ऐसे ही M7 में बहुत मेजर फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक स्टेप हायर होने में आप देख रहे हो 40 लाख रुपए का फर्क पड़ गया। तो अब मेरे को आप बताइए सोच के कि अगर 6 घंटे की ड्यूटी किसी ने बोली है या 7 घंटे की, 6 घंटे की ड्यूटी अगर बोली है किसी ने, तो आप कौन सी क्लास को लेंगे? यहाँ पे 6 3 जगह आ रहा है, इसमें भी 6 घंटे है, इसमें भी 6 घंटे है, इसमें भी 6 घंटे है। अब नॉर्मली क्लाइंट ना ये नहीं बताता कि यार मेरे को ना टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने चाहिए। वो तो ये सोचता है कि जब एक बार ये क्रेन लगा दी तो 30 35 40 साल के लिए मेरी तो छुट्टी, मेरे को कोई कुछ नहीं करना। तो आप सोच के मेरे को बताओ, डिस्कस करके बताओ, अगर 6 आवर्स ऑफ ड्यूटी उसने बोला है तो आप कौन सी क्लास ऑफ क्लास लोगे, और ये मेरे को व्हाट्सएप अपने ग्रुप में मैसेज करो प्लीज। एक चीज और बता दूं मैं जजमेंट करने से पहले, एक चीज मिसिंग है इसमें, वो है लोड स्पेक्ट्रम। आपको जब मैंने यहां पे बात की थी लोड लिफ्टेड, अगर 50 टन की क्रेन है और वो 50 टन ही बार 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 उठा रही है, तो उसकी ड्यूटी क्लास ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू अगर 50 टन की क्रेन है और वो दिन भर तो 10 टन 10 टन 10 टन उठाती है और महीने में एक बार ही 50 टन उठाती है, तो उसकी हमारी क्लास ऑफ ड्यूटी कम होनी चाहिए, क्योंकि वो तो 10 टन ही उठा रही है ना, केपेबल है 50 टन उठाने के, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 टन की ही है। तो एक चीज इसमें लोड स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं कि लोड स्पेक्ट्रम जो है वो इस डेफिनेशन में, हमारी IAS की डेफिनेशन में यहां पर मिसिंग है। बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हैं, आप उनके ऊपर ना जाएं, बट एक गट फीलिंग से इसको करने की कोशिश करें कि क्या हमारी क्रेन 50 टन की जो ले रखी है या 10 टन की जो ले रखी है, क्या वो फुल लोड हमेशा उठा रही है? एक नॉर्मल सरकमस्टांसेस में फुल लोड नहीं उठता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। कई जगह होंगी जहां पर उसकी मशीन ही ऐसी है जो उसको बार बार उठाना है। हमारे यहाँ अगर हमारी इंडस्ट्री में देख लो, हमारी 10 टन की क्रेन लगी हुई है और वो मेरे ख्याल से महीने में एक बारी ही उठाती होगी 6 7 टन, उसके अलावा तो वही 1 टन 500 kg, 1 टन 500 kg, 2 टन मैक्सिमम। और दूसरी चीज, 60% ऑफ द टाइम जो क्रेन चलती है वो आइडल चलती है। आइडल मतलब कि हुक ऊपर है, अब उस हुक को नीचे लेकर आना है बिना लोड के। क्रेन एक साइड पे खड़ी हुई है, उस क्रेन को हमको लेकर आना है दूसरे साइड पे बिना लोड के। तो 60% ऑफ द टाइम जो क्रेन का है वो तो आइडल ही निकलता है। तो अगर कोई जना हमको ये कह रहा है कि जी मेरी जो वर्किंग है ना क्रेन की, वो 7 घंटे या 8 घंटे है दिन की, तो आप इमेजिन कर लो कि उसमें 60% तो टाइम वो आइडल ही चल रही है, उसको तो आप निकाल ही दो। तो मान लो, हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है, ये मेरी अपनी थ्योरी है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। मान लो अगर कोई कहता है कि जी मेरी 7 घंटे की वर्किंग है क्रेन की, तो आप ये इमेजिन करो, या तो आप उससे बात करो या फिर इमेजिन करो कि भाई 7 घंटे की है ना, तो उसमें 50% टाइम तो वो काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली 7 का मतलब 3.5 घंटे आ गया, तो क्या मैं उसको M4 M5 में दे सकता हूँ? मेरे हिसाब से अगर मैं होऊंगा तो मैं उसको M5 लेके काम चलाऊंगा। 7 घंटे की ड्यूटी तो मैं M5 दे दूंगा। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि 60% ऑफ द टाइम या 50% ऑफ द टाइम क्रेन विल बी वर्किंग इन आइडल, प्लस लोड जो है वो अगर 10 टन की क्रेन है तो वो 10 टन हमेशा नहीं उठाएगा। ये एज्यूम करते हुए मैं उसको M5 दूंगा, M7 में नहीं लेके जाऊंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। ये ड्यूटी क्लास के बारे में हुआ। एक चीज और है कि प्लेटफॉर्म दोनों साइड देना है या एक साइड देना है। कस्टमर ने कुछ नहीं लिखा, अगर कस्टमर ने कुछ नहीं लिखा तो प्लेटफॉर्म आप एक ही तरफ दोगे डबल गडर क्रेन में, और सिंगल गडर क्रेन में स्मॉल प्लेटफॉर्म दोगे अगर वो 10 मीटर स्पैन से ऊपर है तो। थैंक यू। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस,
फॉर 6 आवर्स वर्किंग टाइम. थैंक यू.